उसका साथ भागने के लिए सब वो मानुष भी तैयार है आजकल। हाँ, से बच्चा है उसकी बात भी देखो, दूसरा मानुष को लेके फैल गया है। हाँ, तो ऐसे सबको पता है ना, जमाना बहुत खराब है, इसलिए रास्ता में जाओ तो उसे पहले आगे फू मारो, उसके बाद साफ करो, बाद में पा फलाओ। बहुत होशियार करके चलना है इस जमाने में। और तुम जिस लड़के से बात करो ना, उससे तुम बिल्कुल बात करना छोड़ दो, बताओ वो तो बिल्कुल पल्लर गुआ की तरह है काला। अगर उससे तुम्हारा लफड़ा होगा तो फिर तुम्हारा घर से इतना पिटाएगा, साफ पिटा पिटाएगा तुम्हें पूरा, ठीक है? तुम बात करना, बिल्कुल सहरे दो, बिल्कुल सहरे दो बात करना। अगर अगर हमारा होशुर को पता चल गया ना, हाँ, पूरा बाशेर सुबह आते बांधा पिटाएगा, देख लेना। वो बहुत कमीना इंसान है, हमने देख लिया, हमारा ससुर है आर्यन का नाना। उसका राग अच्छा नहीं है, अगर राग उठ गया तो वो तुम्हारा मोरिस खेत नहीं है था, उसमें तो हरस दादा पैसा नहीं देता था खर्चा के लिए, तो वो पूरा आल जुड़े दिया था मोरिस खेत में, पूरा मोरिस था घास में। तो मैंने उसी दिन देख लिया कितना राग है तुम्हारा पापा का। हाँ, पूरा दुई लाइन तो सांस भी दे दिया था उस टाइम, जाके बाहर का आदमी आके ठकाया, तो वाली ने आके ठकाया, उसके बाद उनने रुका, नहीं तो पूरा आल बुआ देता पूरा मोरिस खेत में। बाद में तुम्हारा दोनों भाई आजुल और हारिस खर्चा पानी के लिए पैसा दे दिया, उस टाइम राग थमा।